हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक बार टैप कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफाई होता जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेडमी 6 का कैमरा सेटिंग्स इन डिटेल। देखिए रेडमी 6 जैसे कि आपको पता है इसमें 12 मेगापिक्सल का f/2.2 अपर्चर का कैमरा सेटअप है विद 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। डेप्थ सेंसर यानी कैसे कहां पर ब्लर करना है ये वाला डिसाइड करेगा। एंड वैसे ही इसमें क्योंकि AI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है तो एक बैकग्राउंड ब्लर के लिए भी बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं इस कैमरा को। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑफर करता है शाओमी का रेडमी 6 और कैसे आप सुपर पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं यूजिंग शाओमी रेडमी 6। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये है डिफॉल्ट कैमरा यूजर इंटरफेस। जब आप कैमरा पर टैप करेंगे आइकॉन पर तो यही यूजर इंटरफेस आप पाएंगे। एंड यहाँ पर जैसे कि ढेर सारे ऑप्शंस हैं, मैं वन बाय वन आपको डिटेल से बताऊंगा कैसे आप यूज कर सकते हैं अच्छे पिक्चर्स कैप्चर करने के लिए डिफरेंट सिचुएशंस में। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखेंगे तो HDR है, डिसेबल्ड है अभी। HDR देखिए, HDR कब यूज़ करना है, लैंडस्केप पिक्चर्स पर यूज़ करना है। तो जब भी आप लैंडस्केप पिक्चर्स कैप्चर कर रहे होंगे तभी आप HDR को यूज़ कीजिएगा, ना कि ऐसे इंडोर वाला एनवायरनमेंट में। जैसे कि यहाँ पर अभी क्लोजअप ले रहे हैं इस लीफ का, इस पिक्चर का हो, इस मिनियन का हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप HDR यूज़ मत कीजिए ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऑफकोर्स डिटेल मिलेगा लेकिन इतना भी वो आपको यूज़ नहीं होगा। अगर आप लैंडस्केप में यूज़ करेंगे तो शेड्स ऑफ ब्लैक एंड शेड्स ऑफ वाइट, जो शेडोज एंड हाइलाइट्स होता है सिचुएशन में, वो अच्छी तरह से कवर करके आपको एक बेहतरीन इमेज देगा। तो इसलिए आप इंडोर सिचुएशन में नहीं बल्कि आउटडोर सिचुएशन में ज़्यादा यूज़ कीजिए। एंड यहाँ पर सबसे पहला आप नोटिस करेंगे टैप टू फोकस, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल अभी ये लीफ पर मैं टैप कर रहा हूँ फोकस करने के लिए, ऑफकोर्स फोकस हो रहा है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जब आप टैप करेंगे तो एक छोटा सा एरो मार्क दिखेगा, आप इसको डिक्रीज या ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं, यानी स्वाइप अप करेंगे तो इंक्रीज होगा, इसको हम एक्सपोजर वैल्यू कहते हैं EV। तो फॉर एग्जांपल अभी कॉम्पेंसेट करने के लिए एक्सपोजर यानी ब्राइटनेस को कॉम्पेंसेट करने के लिए, मान लीजिए अगर आप बहुत डार्क है यहाँ पर, अभी थोड़ा ब्राइटनेस लाना है इसमें, तो थोड़ा इंक्रीज करूँगा मैं एक्सपोजर वैल्यू को। एंड जब मैं कैप्चर करूँगा तो ये देखिए बहुत ही अच्छा पिक्चर, ऐसे शार्प इमेजेस आपको मिलेंगे। तो ऐसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं एक्सपोजर वैल्यू को। बहुत बार आप देखे होंगे और ज़्यादातर अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अभी से यूज़ करना इसको स्टार्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर है फिल्टर्स, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा ढेर सारे फिल्टर्स हैं, आप जब चाहिए यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्लैश तो Xiaomi का बहुत अच्छा होता है, टॉर्च ऑप्शन देते हैं हमेशा ऑन रखने के लिए, वैसे आप ऑटो ऑन एंड ऑफ तो है ही। एंड नेक्स्ट वन यहाँ पर 3 स्ट्राइप्स है, इसमें ब्यूटीफाई है, चलिए ब्यूटीफाई को यूज़ करके मिनियन का पिक्चर कैप्चर करते हैं। तो हमेशा आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑलवेज आपको टैप टू फोकस यूज़ करके पिक्चर्स लेना है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि बिल्कुल शार्प है या नहीं। एंड इसके ऊपर फिर से मैं टैप करूँ तो फोकस होगा एंड अभी हम पिक्चर लेंगे ब्यूटीफाई मोड में। तो मिनियन है तो अच्छी तरह से फेस रिकग्नाइज नहीं हुआ है, अगर आप कोई पर्सन का ले रहे हैं तो बिल्कुल आप इस चीज़ को ब्यूटीफाई को ऑन करके लीजिए। और एक बार आप टैप करेंगे तो ब्यूटीफाई प्रो मिलेगा आपको, इसकी वजह से क्या होता है और भी थोड़ा ज़्यादा आपको स्किन टोन्स अच्छी तरह से ब्यूटीफाई होकर मिलेंगे, जैसे कि स्किन का स्मूथनेस हो वो इंक्रीज ज़रूर होगा। तो फिर से टैप करेंगे तो डिसेबल होगा। यह है स्ट्रेटन, देखिए Xiaomi बहुत ही अच्छा फीचर्स देता है, कैसे भी आप पकड़िए यहाँ पर बिल्कुल वो स्ट्रेटन करके आपको एक्यूरेट जो कॉम्पोजिशन हम कहते हैं प्रोफेशनल्स, तो एक्यूरेट कॉम्पोजिशन से अगर पिक्चर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस चीज़ को एनेबल जरूर कीजिए हमेशा। तो ऐसे आपको बिल्कुल स्ट्रेट वाला एक्यूरेट हॉरिजॉन्टल लेवल पर रहेंगे पिक्चर्स जो भी लेंगे आप, तो ऐसे स्ट्रेटन मोड को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर टाइमर है, ये HHT जो है बहुत कम लोगों को पता है, HHT बेसिकली वो 3 इमेजेस को स्टैक करके डिफरेंट एक्सपोजर का एक अच्छा आपको इमेज ज़रूर देगा। तो बेसिकली आपको HHT कब यूज़ करना है, इंडोर सिचुएशन में, वो भी अगर थोड़ा अंधेरा ज़्यादा है तो वहाँ पर आप बिल्कुल इस चीज़ को यूज़ करके बहुत ही अच्छा पिक्चर ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नया है सीन वाला, तो ऑटोमेटिकली सीन डिटेक्ट करके ऑटो पिक्चर्स लेने के लिए यहाँ पर सीन मोड ज़रूर यूज़ कीजिए, जैसे कि पोर्ट्रेट है, जैसे कि लैंडस्केप है, जैसे कि स्पोर्ट्स है। अगर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स का आप कोई भी कैप्चर कर रहे हैं तो बिल्कुल आप स्पोर्ट्स को ऑन करके कैप्चर कीजिए, ऑटोमेटिकली फास्ट शटर स्पीड आपको वो यूज़ करके बहुत ही अच्छे पिक्चर्स देगा। वैसे ही नाइट मोड, जैसा कि नाम है नाइट पोर्ट्रेट भी दिया है,
एंड बीच का है, स्नो का है, ऐसे सनसेट एंड फायरवर्क्स, तो ऐसे आप यूटिलाइज करके जो भी सीन का आप कैप्चर कर रहे हो वो वाला यूज करके आप डेफिनेटली पिक्चर्स को लीजिए। तो ये वाला जरूर हेल्प करता है सीन मोड, ऐसे नहीं कि आप नेग्लेक्ट करके, कोई बात नहीं जस्ट ओपन किया कैमरा ऐसे ही टैप किया, ऐसा नहीं करना है आपको। जस्ट 1 or 2 सेकेंड स्पेंड करके आप कौन सा सीन कैप्चर कर रहे हैं उसके आधार पर बिल्कुल इस चीज़ को यूज़ कीजिए। तो फिलहाल अभी हमने देख लिया फोटो मोड, डिफॉल्ट मोड पर ही इतने सारे सेटिंग्स है देखिए। एंड अगर मैं स्वाइप अप करूँ तो पोर्ट्रेट, तो किसी का भी पोर्ट्रेट अगर ले रहे हैं तो पोर्ट्रेट मोड पर लीजिए। मेक श्योर इट इज़ एट 2 meters अगर डिस्टेंस रहेगा तो अच्छी तरह से बैकग्राउंड को ब्लर करेगा, तो वैसे आप यूटिलाइज करके पोर्ट्रेट मोड से कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये मिनियन का है, अभी हम इसको कैप्चर करेंगे। देखिए बिल्कुल बहुत ही शार्प इमेजेस आपको देता है Xiaomi Redmi 6 में। एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग जो है वो बिल्कुल ब्लर करके, डेप्थ सेंसर के यूटिलाइज करके वो ब्लर करता है, तो डेफिनेटली आपको अच्छा पिक्चर ज़रूर मिलेगा। एंड आपको ये ध्यान में रखना है कि बार बार जब भी आप ऐसे पकड़ेंगे तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कैमरा का लेंस जो है उस पर आपका हाथ बिल्कुल ऐसे कवर नहीं होना है, थोड़ा गैप दीजिए, ऐसे पकड़ना है आपको कैमरा, ना कि ऐसे ऐसे पकड़ना है, तो वो वाला एक आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट स्वाइप डाउन करूँगा तो स्क्वायर, ये इंस्टाग्राम के लिए ही बिल्कुल यूज़ होता है विदाउट लूजिंग एनी फ्रेम। आप झट से कोई भी पिक्चर इंस्टाग्राम पर शेयर करना चाहते हैं तो देखिए रेडी है स्क्वायर, क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा एडिट कर लिया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देंगे तो आपका काम जल्दी से फटाफट काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था Part 1 वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा ऑलरेडी लंबा हो चुका है इसलिए मैं बोर नहीं करना चाहता आपको। तो Part 2 में देखेंगे फुल मैनुअल मोड एंड जितने भी सेटिंग्स है बाकी वो सारा चीज़ मैं आपको Part 2 में दिखा दूंगा। तो Part 2 देखना ना भूले, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं Part 2, इवन वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देता हूँ Part 2 देखने के लिए, तो उसमें मैनुअल मोड बिल्कुल कवर किया हूँ। होपफुली अगर आपको लाइक होता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे चैनल पर। तो ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर अपना, बाय बाय।